सलून वाले हेयर कट के लिए चार्ज वसूलते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी सलून को हेयर कट करने के लिए चार्ज चुकाना पड़ा हो? अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा भला कैसे, तो आपको बता दें कि ये मामला दिल्ली का है, जहां पर गलत तरीके से बाल काटने के लिए एक सलून को 2 करोड़ रुपयों का मुआवजा चुकाना पड़ा है। दरअसल महिलाओं को अपने बालों का बहुत ख्याल रहता है, उन्हें अपने बालों के साथ छेड़छाड़ कतई पसंद नहीं होती। दिल्ली के एक सलून को एक युवती के हेयर स्टाइल से छेड़छाड़ करना भारी पड़ गया है। 2018 में मॉडल आशना रॉय एक इंटरव्यू देने से पहले ITC मेरिया स्थित सलून में हेयर कट के लिए गई थी। आशना के मुताबिक उन्होंने हेयर ड्रेसर को साफ साफ शब्दों में अपने बालों को आगे से लंबे फ्लिक्स रखने और पीछे से 4 इंच काटने को कहा था, लेकिन यहां हेयर ड्रेसर ने महज 4 इंच बाल छोड़कर उनके लंबे बालों को पूरी तरह से काट दिया। इस हेयर कट से आशना भड़क गई और उन्होंने प्रबंधन से इसकी शिकायत की। सैलून ने इस पर आशना को फ्री हेयर ट्रीटमेंट ऑफर किया। आशना के मुताबिक हेयर ट्रीटमेंट के दौरान केमिकल के प्रयोग से उनके स्कैल्प चल गए और बालों को स्थायी नुकसान हुआ। आशना इस मामले की शिकायत राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग में करने पहुंची और अपनी शिकायत में उन्होंने कहा कि गलत हेयर कट की वजह से उन्हें अपना काम खोना पड़ा, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ। उनका पूरा रहन सहन बदल गया और टॉप मॉडल बनने का सपना टूट गया। उसी केस के फैसले के चलते राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग ने हेयर कटिंग सलून को अपनी गलती के लिए आशना को 2 ही महीनों के भीतर 2 करोड़ रुपयों का मुआवजा चुकाने का फैसला दिया है। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।